नमस्कार मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच को बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है खबरों की शुरुआत करते हैं पंजाब से दिल्ली में रविदास महाराज का मंदिर गिराया गया जिसकी आंच पंजाब में भी आज पहुंच गई आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया था मंदिर गिराने को लेकर रविदास समाज सड़कों पर उतरा रेलवे और सड़क पूरी तरह ठप रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में श्री गुरु रविदास जी का मंदिर गिराने के विरोध में रविदास समाज के बंद से पंजाब जाम हो गया बंद का पंजाब के ज्यादातर जिलों पर व्यापक असर हुआ बंद के दौरान होशियारपुर के मुकेरिया में दुकानदारों एवं प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत तक हो गई पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए हवाई फायरिंग की भिडंत में तीन लोग घायल हो गए नवा शहर में भी जबरन दुकानें बंद कराने को लेकर दुकानदार और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए पूरे राज्य में बंद को लेकर रविदास समाज के लोगों ने विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किया और सड़कों पर धरना दे दिया इससे सड़क यातायात जाम हो गया राज्य में अधिकतर स्थानों पर बाजार बंद रहे बसें नहीं चलने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा कश्मीर में पाबंदियां हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार कहा सरकार को अभी और वक्त मिले जम्मू कश्मीर में धारा एक हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील है इसमें सरकार को वक्त मिलना चाहिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा मूर्खों के स्वर्ग में हम न रहें। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को उठाना चाहिए 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है पाक में इमरान सरकार के नेता इस मामले पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं पहले खुद इमरान खान ने पुलवामा जैसे हमले की धमकी दी थी तो वहीं अब उनके विदेश मंत्री महमूद कुरैशी सहित अन्य नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं हालांकि कश्मीर मामले में उन्होंने अपनी हार मान ली है कुरैशी ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र परिषद में भी हमें समर्थन मिलना मुश्किल है हमें मूर्खों के स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें मान लेना चाहिए कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के साथ कोई नहीं खड़ा 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं अमित शाह अगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल चौक जाकर तिरंगा फहराते हैं तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का दूसरा ऐतिहासिक कदम होगा श्रीनगर के बाद अमित शाह सोलह और सत्रह को लद्दाख के दौरे पर रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर पर यू टर्न अब नहीं करेंगे मध्यस्थता कश्मीर पर मध्यस्थता का बयान देकर विवाद खड़ा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि अब वह मध्यस्थता नहीं करेंगे अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका की नीति स्पष्ट है कि वह कश्मीर मसले के समाधान के लिए द्विपक्षीय प्रयासों को प्रोत्साहन देंगे जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की हेल्पलाइन सेवा पर देश विदेश से आए हजारों कॉल राज्य में फोन और इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते रविवार को सीआरपीएफ द्वारा हेल्पलाइन सेवा मददगार शुरू की गई थी जिस पर दो दिनों में हजार से ज्यादा फोन कॉल आ गए हैं जिनमें बड़ी संख्या में घाटी में तैनात सुरक्षा बलों के परिजनों के भी हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान कहा राहुल गांधी को कश्मीर दिखाने के लिए भेजेंगे विमान बीते हफ्ते कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हिंसा की कुछ खबरें आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पारदर्शी तरीके से इस मामले में चिंता व्यक्त करनी चाहिए वहीं सत्यपाल मलिक के बयान के बाद अब राहुल गांधी ने कहा है कि वे कश्मीर जाने को तैयार है हिरासत में आदिवासियों ने पानी पीने को मांगा तो पुलिस वालों ने पैलाया पेशाब चार पुलिसकर्मी सस्पेंड मामला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का है इस मामले में नानपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है गोलीकांड में मारे गए आदिवासियों के घर उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी जमीन को लेकर हुए हत्याकांड में मारे गए आदिवासियों के परिजनों से मिलने प्रियंका गांधी वाड्रा सोनभद्र पहुंच गयी वही उनके इस दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा की कांग्रेस मुद्दा तलाशने की कोशिश कर रही है बता दें कि कुछ दिन पहले जमीन कब्जा के विवाद में 10 आदिवासियों को गोली मार दी गई थी इस हत्याकांड की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई थी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने सोनभद्र पहुंच गई लेकिन वह उम्भा गांव तक पहुंच पाती कि प्रशासन ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया खर्च में कटौती के लिए भारतीय सेना कर सकती है सत्ताईस हजार सैनिकों की छंटनी रिपोर्ट के अनुसार सेना के पास फिलहाल साढ़े बारह लाख जवान हैं और उनके वेतन और अन्य मदों पर उसे भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है बता दें इस साल सेना के लिए बजट तीन पॉइंट अठारह लाख करोड़ रुपए है इस कटौती से सेना को करीबन सोलह सौ सो करोड़ रुपए की बचत होगी इस समय सेना के एक दशमलव लाख अधिकारी और जवान मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज नेशनल कैडेट कॉर्प्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन टेरिटोरियल आर्मी और सैनिक स्कूल आदि में तैनात हैं। साथ ही इनकी तैनाती असम राइफल्स राष्ट्रीय राइफल्स और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में भी, भी है जो सेना के नियमित टुकड़ियों का हिस्सा नहीं है एक सूत्र के अनुसार सैन्य मुख्यालय के महानिदेशक की अध्यक्षता में नए सिरे से एक विस्तृत अध्ययन हुआ और इन संगठनों में 27000 सैन्य कर्मियों की कटौती के साथ-साथ बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता के लिए उनके पुनर्गठन की सिफारिश की गई है आर्टिकल 370 के मुद्दे पर तमिलनाडु के सीएम पल्लीस्वामी ने कहा धरती पर बोझ है चिदम्बरम चिदम्बरम ने आर्टिकल 370 का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो भगवा पार्टी इस राज्य का विशेष दर्जा नहीं छीनती उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने तमिलनाडु को केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला किया होता तो सत्ताधारी ए आई इसका विरोध करती